हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में, जैसे कि सीएसके के सीईओ का क्या कहना है एमएस धोनी के रिटायरमेंट के बारे में। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए और राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए एक बुरी खबर है, और वो खबर क्या है ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और उसके अलावा आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बारे में। सो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी 39 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अब कब महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेंगे, और क्या इंटरनेशनल क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले चुके हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट से अगर धोनी रिटायरमेंट ले चुके हैं तो क्या वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। तो इसके ऊपर सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ जी का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी एटलीस्ट आईपीएल 2022 तक जरूर सीएसके के लिए खेलेंगे, और ये सीएसके टीम को विश्वास है। अब देखना है क्या महेंद्र सिंह धोनी ऐसा सचमुच करते हैं या नहीं। जिस तरह से इतने सालों तक महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की कप्तानी कर रहे हैं, तो अब महेंद्र सिंह धोनी के अलावा किसी और को सीएसके का कप्तान इमेजिन कर पाना भी काफी मुश्किल है। सो सीएसके के फैंस जरूर यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय तक महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के लिए खेलें और उनकी कप्तानी भी करें। वैसे इस बारे में आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो जुड़ा हुआ राजस्थान रॉयल्स टीम से, और ये राजस्थान रॉयल्स टीम्स और राजस्थान रॉयल्स फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के जो फील्डिंग कोच हैं दिशांत याज्ञनिक, वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पे भी रखा गया है। सो ये बिल्कुल भी अच्छा खबर नहीं है राजस्थान रॉयल्स के लिए और आईपीएल के लिए भी, और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और किसी भी प्लेयर या कोच को कोविड-19 का शिकार ना होना पड़े। उसके अलावा आप लोग भी अपने घर पे सेफ रहिए, क्योंकि अभी जिस तरह से पैंडेमिक फैल रहा है अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगला जो अपडेट है वो जुड़ा हुआ आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप से। सो जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि वीवो, जो कि पहले आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वीवो जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, और वीवो को और आईपीएल 2020 को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा था, जिसकी वजह से वीवो को फाइनली ये नाम वापस लेना पड़ा। एक्चुअली बैकलैश इतना ज़्यादा होने लगा था, ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था #banipl2020। सो इसके बाद जो है BCCI ने इनवाइट किया बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज को कि वो अप्लाई करें टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए, जिसमें कि Amazon, बायजूस, अनअकैडमी और पतंजलि जैसी बहुत बड़ी कंपनियों ने अप्लाई किया है आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। लेकिन अभी तक ये श्योर नहीं है कि किसको मिलेगा टाइटल स्पॉन्सरशिप। हो सकता है जिसका बिड सबसे ज़्यादा हो BCCI उसे ही देगी, और इसका फैसला होगा 18th अगस्त 2020 को, जब BCCI ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर देगा कि आईपीएल 2020 के नेक्स्ट टाइटल स्पॉन्सर्स कौन होने वाले हैं। लेकिन ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप मिलेगा ये सिर्फ 4 महीनों के लिए ही होगा, क्योंकि इस बार 2021 में हो सकता है शायद वीवो फिर से टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ले, या फिर BCCI फिर से 2021 में एक नया बिड कराए फिर से अलग किसी टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए। और पर्सनली मैं भी यही चाहता हूँ कि आईपीएल क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है तो इसका जो टाइटल स्पॉन्सर्स हो वो भी कोई इंडियन कंपनी ही हो, बट BCCI आई थिंक उसी को स्पॉन्सरशिप दे रहा है जिसका बिड सबसे ज़्यादा हो। सो देखना होगा आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप कैसे मिलता है। इसके अलावा एक और जो अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स से रिलेटेड, वो है कि चेन्नई सुपर किंग्स अपना एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं माँ चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, जो कि 15th अगस्त से ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा रविंद्र जडेजा भी होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग्स से जो कि इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे। विदेशी खिलाड़ी तो शायद इसका हिस्सा ना हो पाए, लेकिन होपफुली जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं और इंडियन प्लेयर्स हैं वो इस कैंप का हिस्सा हो सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही अपडेट्स है मेरे पास। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया है, एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उसके अलावा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान का भी जो सेकेंड टेस्ट मैच वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसे मुझे कवर करना चाहिए या नहीं ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलते रहें।